सो हाय गाइस, दिस सॉल्कर फ्रॉम सॉल्कर ट्रिक्स। तो आज की वीडियो बेसिकली कोलैबोरेशन में है मेरे और अर्श के बीच में। तो अगर आपकी वीडियो मेरे चैनल पे देख रहे हो तो आप लोग अर्श के चैनल पे जरूर जाओ, और आप लोग अर्श के चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा चैनल है सॉल्कर ट्रिक्स के नाम से, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगी। तो फेसबुक कवर बनाना मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले तो आप लोगों को फोटोशॉप ओपन करना है। फोटोशॉप ओपन करने के बाद आप लोगों को फाइल पर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। यहाँ पे फोटोशॉप अगर आप लोगों के पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगी, मैंने वीडियो बनाई है इसके ऊपर। फिर आप लोगों को विड्थ लेनी है 1600 और हाइट 600 पिक्सल्स में। रेजोल्यूशन आप लोगों को 100 रखना है और कलर मोड RGB कलर, और बैकग्राउंड आप लोग वाइट रखेंगे और ओके। तो बेसिकली अपने पास एक शीट आ गई जो अपना जो है मेन कैनवास होने वाला है, जिसके ऊपर अपन लोग बनाएंगे फेसबुक कवर। फिर आप लोग प्लेस पे क्लिक करके यहाँ पे मैं एक इमेज इंपोर्ट करूँगा। अगर आप लोग को इस इमेज की लिंक चाहिए तो बता देना, मैं आप लोग को दे दूँगा। ये बेसिकली पिक्सल वैसे मैंने डाउनलोड किए, तो शिफ्ट होल्ड करके अपन लोग इसको रिसाइज करते हैं। शिफ्ट होल्ड करना ज़रूरी है वरना पिक्सलेट हो जाएगी ये इमेज। तो ये इतना है, काफ़ी है, ये हो गया। तो इसको मूव टूल पे बेसिकली मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है जो फर्स्ट ऑप्शन में, इससे मैं इस इमेज को मूव कर सकता हूँ अपने कैनवास के ऊपर। तो इसको थोड़ा नीचे लाते हैं, इतना ठीक है, या थोड़ा ऊपर। ये बेसिकली एरो की इससे मैं भी कर रहा हूँ। तो इसके बाद आप लोग इस पर टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो मैं आप लोग को एक सिंपल सी डिज़ाइन बता रहा हूँ, जो अगर आप फोटोशॉप का बेसिक भी नहीं जानते हो तो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, अगर आप लोग ट्यूटोरियल सिंपली फॉलो करो तो। फ़ॉन्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है प्लेन क्रैश, और कलर यहाँ पे वाइट रख देते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा बेसिकली अपना नाम, तो यहाँ सॉल्व कर लिखता है, तो ये आ गया। और फ़ॉन्ट ये काफ़ी अच्छा है, बैकग्राउंड के हिसाब से काफ़ी मैच हो रहा है, इसलिए मैं ये फ़ॉन्ट आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। कंट्रोल टी रिसाइज करने के लिए, बेसिकली कीबोर्ड शॉर्टकट। और ये दोबारा आप लोगों को शिफ्ट होल्ड करना है। शिफ्ट होल्ड करके इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ज़रूर से ज़्यादा बड़ा भी मत कर देना वरना अच्छा नहीं लगेगा, या आप लोग की प्रोफाइल पिक्चर जो है उसको कवर कर लेगी। तो कंट्रोल ए सेलेक्ट करने के लिए, फिर यहाँ पे बेसिकली वर्टिकल सेंटर और हॉरिजॉन्टल सेंटर, ये शॉर्टकट है जो आप लोगों को मैंने बताया। कंट्रोल डी सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर ये आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा कंट्रोल टी रिसाइज के लिए, और शिफ्ट होल्ड करके इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, ये ठीक है। थोड़ा ऊपर कर देते हैं, मूव टूल पर क्लिक किया हुआ, तो एरो की इससे मैं इसको थोड़ा ऊपर करूँगा, यहाँ पर ये परफेक्ट है। तो अगला जो है वो अपन बेसिकली इसको एडिट करेंगे। तो आप लोग राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है, फिर इसके बाद स्ट्रोक, अगर आप लोग स्ट्रोक ऐड करोगे तो ये ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। उसके बाद कलर ओवरले, कलर रहने देते हैं वाइट ही, ठीक है। ग्रेडियंट ओवरले, इसके ऊपर जाते हैं, और ब्लेंड मोड पर जो है आप लोगों को मल्टीप्लाई सेट करना है। ओपेसिटी इसकी थोड़ी डिक्रीज कर देते हैं अराउंड 36%, अराउंड ये ठीक है 36। फिर उसके बाद ड्रॉप शेडो आप लोग करनी है। ड्रॉप शेडो का सिंपल सा कंसेप्ट है, जो तीनों वैल्यूज़ है वहाँ पे आप लोगों को 5-5 कर देना है। तो ये हो गया, ओके करते हैं सेव करने के लिए। तो आप लोगों का टेक्स्ट जो है वो एडिट हो गया, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिखने में बैकग्राउंड के साथ मैच हो रहा है। फिर उसके बाद आप लोगों का थर्ड नंबर जो कर्व्स का ऑप्शन है वहाँ पर आप लोग क्लिक करना है, और यहाँ पर एक सिग्मोइड बनाऊँगा मैं, एस शेप, ज़्यादा एस नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर से। इससे बेसिकली जो कलर जो है वो काफ़ी डार्क हो जाएगा यहाँ पे, जो कि अपन को चाहिए। इसको थोड़ा सा यहाँ लाते हैं, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इफेक्ट जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। बेसिकली बैकग्राउंड में जो है साइड से जो है काफ़ी डार्क हो गया, और बीट से थोड़ी लाइट आ रही है। अब दूसरी नई लेयर यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली मैं शेडो ऐड करूँगा, तो यहाँ पे आप ब्रश आप लोग क्लिक करना है, और इसकी साइज़ अराउंड 700 के आसपास, हार्डनेस एकदम 0। तो यहाँ पर मैं जो कॉर्नर्स में जो है ब्लैक कलर सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर मैं दोनों साइड में, दोनों एंड में ब्लैक कलर से ऐसे थोड़ी सी लेयर बना दूंगा। इसकी ओपेसिटी अपन लोग अभी कम करेंगे, तो इसकी ओपेसिटी मैं कम कर देता हूँ इस लेयर को सेलेक्ट करके। तो इसकी ओपेसिटी मैं करूँगा अराउंड 10%, ये ठीक है। फिर इसके बाद अपन लोग इसमें लाइट एड करेंगे, तो न्यू लेयर बनानी है, और ब्रश साइज आप लोग उतना ही रखना है, लेकिन कलर अपन लोग यहाँ पर भी ब्लैक की जगह वाइट लेंगे ताकि लाइट जो है आ जाए। आप लोग को 1/3 सर्कल नीचे रखना है और बाकी का ऊपर रखना है। फिर जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग के पास एक अच्छी लाइट आ जाएगी। इसको थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं ओपेसिटी को अराउंड 50%, थोड़ा सा और, ये ठीक है। तो अभी अपन लोगों का बन चुका है। इसको सेव करने के लिए फाइल पे आप लोगों को सेव एस पे क्लिक करना है। नाम आप लोग दे सकते हो, डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोगों को जेपेग में सेव करना है। फिर नाम आप लोग दे सकते हो, नाम वही देना है जिससे आप लोगों को ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो। FB कवर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अब यहाँ पर क्लिक करते हैं सेव पर। और ये आप लोगों से पूछेगा क्वालिटी आप लोगों को मैक्सिमम रखनी है, यहाँ पे आप लोगों को फाइल साइज बता देगा 1 MB की अराउंड फाइल साइज होगी, ओके। तो ये आप लोग का फेसबुक कवर बनके तैयार हो गया। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।